दोस्तों हम लोग हैं मंडी हाउस में और ये एक थिएटर हब है। अगर आप भी थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी सीरीज के साथ जुड़े रहें। ये है 70 हाशमी मार्ग जिसका बहुत महत्व है मंडी हाउस के लिए, थिएटर आर्टिस्ट के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े थिएटर विद्वान थे और ये नुक्कड़ किया करते थे और ये लेबर की आवाज पहुंचाते थे नाटक के जरिए, और उन्हीं के नाम पर रखा गया है ये नाम 70 हाशमी मार्ग मंडी हाउस। और ये है अगर आप भी थिएटर करना चाहते हैं तो ये सारे इंटरेक्शन जरूर देखिए। भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है। भाव है, संवाद है, अभिनय के स्वाद है। अपने अपने अनुभव, सबके अपने अपने राग हैं। रंगमंच की दुनिया का है कुछ ऐसा खेल, खिलैया रे खाना बदोश के संग कर ले चटर पटर। लेट्स टॉक अबाउट थिएटर। तक धुम धड़म तथैया रे सुनरी बहन को भैया रे। लेट्स टॉक अबाउट थिएटर। 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 हेलो दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ और मैं फिर आपके साथ एक नई थिएटर पर्सनालिटी के साथ। मेरे साथ हैं आकिल जमील और ये बच्चों के साथ बहुत काम करते हैं, बहुत थिएटर करते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इनकी थिएटर की जर्नी क्या है। हाय आकिल, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, माशाल्लाह। वेलकम, थैंक यू सो मच। आकिल बताइए कि थिएटर, आप थिएटर करते हैं, आपका बहुत नाम है थिएटर में जितना मैं जानता हूँ, कैसे शुरुआत हुई थिएटर की? थिएटर की शुरुआत जो है इसको आई थिंक इस मरहले को मैं तीन स्टेजेस में डिवाइड करूँगा। पहला तो एक तो जर्नी हो गई मेरी, एक शुरुआत हो गई और एक इम्पैक्ट, राइट। तो जर्नी की जो शुरुआत है मेरे वो मनचंदा साहब के साथ है, ठीक है। जो अब तक की जर्नी रही है मेरी 9 साल की, जब व्हेन आई स्टार्टेड इन लाइक आई थिंक 2010 ऑलमोस्ट 2000 उसी के आसपास, ठीक है, वो मनचंदा साहब के साथ है। देन फिर हफीज़ साहब के साथ तक की जर्नी है अब तक। और इम्पैक्ट जो है, जो असल कहेंगे आप लबो लबाब हर चीज़ का ना, एक होता है ना कि इसका ये इस चीज़ का ना मुझे क्रक्स मिल गया इस हिसाब से, वो है अब्दुल लतीफ़ कटाना। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उनका एक बहुत ही बड़ा रोल है, मतलब मेरे थिएटर की ज़िंदगी में एक बड़ा रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी अब्दुल सर का स्टूडेंट रह चुका हूँ और मेरी ज़िंदगी में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। तो जब आपने डिसाइड किया आकिल कि मुझे थिएटर करना है, तो कब डिसाइड किया, फैमिली को कैसे कन्वेंस किया, सब लोग एग्री थे शुरू में थिएटर के लिए? एब्सोल्युटली नॉट, नो वन वाज अग्रीइंग ऑन दैट पॉइंट। कोई भी नहीं मानने को तैयार था, इवन आज तक नहीं मानने को तैयार है। तो अब होता क्या था, हमेशा एक कशमकश रहती थी, छुपा के चलाता था करने के लिए, बताता नहीं था। लेकिन मुझे एक होता है ना कि एक अंदर से वो चीज़ थी कि करना है, अब करना है। जब किसी बच्चे के अंदर एक वो एक जिज्ञासा आ जाती है कि मुझे करना है इस चीज़ को ना, तो अगर आप उसको बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करेंगे ना, मतलब व्हेन यू ट्राई टू मार्जिनलाइज समवन इनटू द कॉर्नर, राइट, दे स्टार्ट टू लाइक पुश बैक, राइट। सो वही होता है, जब मुझे मार्जिनलाइज किया गया तो फिर मैंने उसका ना एक मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म इस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। तो फिर मैं छुपा छुपाई करने लगा, फिर एक अलग तरीके से, फिर उनको बाद में समझाता था क्या करने दीजिए ना, अच्छा, फिर नहीं मानते थे, फिर कोशिश करता था, फिर कोशिश करता था। तो इसी तरीके से चलता रहा, मतलब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास कि कैसे किया कन्विंस, बस हो गया, बस करता चला आया। राइट राइट, तो मतलब बेसिकली काम करते करते और वो काम से कन्विंस हो गए, राइट। हाउ यू कैन से दैट इन अ वे, राइट राइट, एब्सोल्युटली, ओके। अच्छा, जब आपने थिएटर शुरुआत करी तो एज एन एक्टर उसको शुरू किया थिएटर को? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, मुझे एक मौका मिला था प्ले में, अजय मनचंदा साहब डायरेक्ट कर रहे थे उस प्ले को, उसमें मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया था और वहाँ से एक जो फॉर्मल थिएटर कहते हैं उसकी शुरुआत हुई। फिर उस तरीके से वो चीज़ें आगे चलती चली गई, फिर इसी तरीके से फिर मैं काम करता रहा। हमारे इस वाली जो थिएटर सीरीज़ है इसमें अजय सर भी आए थे, मनचंदा सर, और उनको काफ़ी यूथ फॉलो करता है और उन्होंने काफ़ी लोगों को, मतलब काफ़ी बच्चों को उसमें इंटरेस्ट डेवलप किया थिएटर में, और काफ़ी बच्चे हैं जो उनको आज भी फॉलो कर रहे हैं और अपना थिएटर में ही उन्होंने करियर बनाया है। अच्छा, जब आप ये थिएटर कर रहे थे तो ये बच्चों के साथ भी आप थिएटर करते हैं, तो वो कैसे स्विच हुए, मतलब कि बच्चों के साथ काम करना कैसे शुरू किया? इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। इन शॉर्ट अगर इसको बताया जाए तो जब हम एक थिएटर की वर्कशॉप कर रहे थे उसमें अब्दुल लतीफ़ खटाना साहब क्लास ले रहे थे, तो जब क्लास ले रहे थे तो उनके अंदर ना एक बहुत ही वो सवाल बहुत करते हैं, तो शुरू में मुझे बड़ा ख़राब लगता था कि हर चीज़ पर ना वो सवाल बहुत करते हैं, छोटी छोटी बातों को पे सवाल करते हैं। तो देन आई स्टार्ट रियलाइजिंग इट कि थिएटर का जो असल ऑब्जेक्टिव है वो बच्चों को अलग अलग पैराडाइम के थ्रू
गुजारता है, ठीक है। तो जब मैं स्टूडेंट था तो रियलाइज़ करता था कि सर ना एक अलग, उनका बाकी लोगों की थिएटर क्लासेस अलग होती थी, लतीफ़ खटाना सर की थिएटर क्लासेस एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर होती थी। उनकी चीज़ों को इमेजिन करने का तरीका, कंसीव कराने का तरीका, बात को रखने का तरीका, वो एक अलग तरीके से कम्युनिकेट करते थे, राइट। सो वो चीज़ कहीं ना जोड़ रही थी मुझे उस चीज़ से कि वो हम फोर्स नहीं करते थे कि तुम्हें एक्टिंग करना है, तुम्हें ये करना है, वो कहते थे बी योर सेल्फ, राइट। कुछ लोगों ने इसको कोट एंड कोट एक कैची फ्रेज बना लिया, बी योर सेल्फ, राइट। वो इस बात पर यकीन करते हैं कि आपको थिएटर करने का मतलब ये है कि आप जब अपनी बात दूसरों तक रख रहे हैं तो किस तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो उनका, उनको मैं जहाँ तक समझ पाया, ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो थी थिएटर को लेकर, जो जहाँ तक मुझे समझ में आए कि वो थिएटर को एज ए मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन देखते थे कि थिएटर जो है वो आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन को इन्हांस करने में मदद करता है कि आप अपनी बात दूसरों तक कैसे रखें, राइट। सो वो एक वहाँ से एक शुरुआत हुई मेरी। ओके, तो फिर वहाँ से आपने उनको असिस्ट करा सर को, या आपने अलग से इंडिविजुअली बच्चों के साथ काम करना शुरू किया? लंबे वक्फे तक मैं लोगों को असिस्ट ही करता रहा, मतलब मुझे कहीं ऐसा कोई मौका नहीं मिला, ठीक है, तकरीबन 8-9 साल तक असिस्ट ही करता रहा लोगों को, ठीक है। पर सीखने को बहुत मौका मिला, एक थी अपने अंदर एक लगन थी कि नहीं बस किसी को भी कुछ बोलता नहीं था कि चुपचाप से मैंने स्टिकी नोट्स बहुत सारे बनाता था। तो हमेशा हफीज सर की एक शिकायत रहती थी कि तुम क्लास में ध्यान कम देते हो, तुम लिखते बहुत हो। तो मेरी राइटिंग स्पीड थोड़ा अच्छी थी तो मैं क्लास में करता था क्या, सारे वो जितनी सेंटेंसेस बोलते थे ना, सारे सेंटेंस मैं लिटरली लिख लेता था। आप मुझे आज भी बोलेंगे 2010 में लतीफ़ खटाना सर ने किस क्लास में क्या बोला, उनके पास लिखे हुए हैं, रिटन नोट्स लिखे हुए हैं। तो मैं रिलीजियसली इस तरीके से फॉलो कर रहा था। तो जब वो वक्फा चल रहा था तो मैं उस टाइम में, मुझे ध्यान में भी नहीं आया कि मुझे चिल्ड्रन थिएटर में जाना है या थिएटर से रिलेटेड कुछ काम करना है, लेकिन चीज़ें बनती चली गई, उस डायरेक्शन में होती चली गई। फिर वो जो जर्नी थी हमारी और मेरे बीच का और हफीज़ खान सर के बीच का जो रिलेशन था वो इतना बढ़ गया, ठीक है, कि हम दोनों साथ मिलकर एक कंपनी की शुरुआत कर दी, ठीक है। सो उस तरीके से फिर हम बच्चों के बीच में काम करने लगे, फिर अलग अलग तरह के वर्कशॉप करने लगे, इस तरीके से चलाया। अच्छा, ये जो एडल्ट थिएटर है, जो बड़े लोग थिएटर करते हैं और जो बच्चे थिएटर करते हैं, तो उसमें मोटिव चेंज हो जाता है या उसका कुछ अलग मतलब उसका एक अलग तरीका है, उसका एक अलग वे है करने का, या दोनों के जो टारगेट्स हैं सेम है? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। सी सिद्धार्थ, आप खुद इतने दिनों से थिएटर करते हैं, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ का करने का एक अलग अलग मोटिव होता है, हर चीज़ का करने का एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे हम थिएटर करते हैं तो जैसे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की जब मैं एज ए फैसिलिटेटर काम कर रहा था NSDTI के साथ लतीफ़ सर के अंडर में, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया वहाँ पर काम करने का। तो वहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ पर जो एज ग्रुप है वो 8 से लेकर 16 ईयर तक को हम कैटर कर रहे हैं, उससे नीचे वाले एज ग्रुप को कैटर नहीं कर रहे हैं, उससे ऊपर वाले को कैटर जनरली नहीं कर पा रहे हैं। फिर वो संडे क्लब पार्ट 1-2, फिर उसके बाद चीज़ें अलग अलग जाती हैं, है ना। तो ब्रॉडली जो हम कैटर कर रहे थे वो 8-16 को कैटर कर रहे थे। तो उस अभी जो मैं थिएटर करता हूँ वो थिएटर 4+ से हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो द डिफरेंट सेगमेंटेशन, अब मेरे जो डाइजेस्ट करने की सलाहियत है वो बिल्कुल अलग होगी, 4 साल के बच्चे का जो डाइजेस्ट करने की सलाहियत है वो बिल्कुल अलग होगी, आपके जो डाइजेस्ट करने की सलाहियत है वो बिल्कुल अलग है। सिमिलरली जो थिएटर का ऑब्जेक्टिव वो बिल्कुल अलग है। तो थिएटर 4 साल का बच्चा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करेगा, अब हमारा अप्रोच चेंज हो जाता है, ठीक है, कि 4 साल का बच्चा जो थिएटर कर रहा है उसका कम्युनिकेशन को लेकर क्या नज़रिया है, वो उसके पेरेंट्स का क्या नज़रिया है, बच्चे को क्यों भेजें, बच्चे पेरेंट्स तो ये सोचेंगे ना कि बच्चों को भेज दिया, अच्छा बच्चा वहाँ भी प्ले स्कूल में जाता है खेल के आता है, यहाँ भी जाएगा खेल कर आएगा, लेकिन वो क्या एक डिफरेंट थिंग है ना, वो क्या, वो कौन सी चीज़ है जो उन्हें ना थोड़ा सा मनफरद करती है, अलग करती है, वो हमें पकड़ना पड़ता है, ठीक है, और जिसके लिए हम अलग अलग तरीके के जो टूल्स हैं उसको उस पर वर्क करते हैं, राइट। सो ये अप्रोच रहा है सिमिलरली। ओके, जैसे पेरेंट्स का अप्रोच रहता है कि अगर हमारे बच्चे थिएटर कर रहे हैं तो इनको टीवी में जाना है, इनको एक्टर बनाने के लिए भेजते हैं, उनको पता होता है कि ये TI का जो कॉन्सेप्ट है, जो थिएटर इन एजुकेशन का हमारा कॉन्सेप्ट है, पर्सनालिटी को डेवलप करना या कम्युनिकेट उसका क्लियर हो, तो ये चीज़ें उनको शुरू में पता होती हैं या ये करते करते समझ में आती हैं? नहीं नहीं नहीं, इसको लेकर ना मुझे लगता है ये जो मिस क्रिएट किया गया ना, ये जो थिएटर की ऐसे कोई डिफाइन कोई इंडस्ट्री है नहीं, लेकिन ये जो हम इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, हमने ना उसको एक डायरेक्शन सही दी नहीं है, ठीक है। आई एम सॉरी टू से दिस, लाइक यू आर थिएटर पर्सन, राइट, आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो आपको, लेकिन ये हकीकत है कि हमने क्या किया, हमने ना बहुत ज़्यादा बफर जोन क्रिएट कर दिए हैं, हमने ना वो एक स्ट्रक्चर वे में देख लिया कि अच्छा ये NSD से है तो इसको ये एक स्ट्रक्चर बना दिया, अच्छा ये हम ना उसमें है, जैसे एक डिबेट है रिलीजियोसिटी और सेकुलरिज्म का डिबेट है, ठीक उसी तरीके से ना हमने वो बना दिया है कि अच्छा ये इस इंस्टीट्यूशन से आता है, ये इंस्टीट्यूशन से आता है, ये ऐसा करता है। तो ये जो यूथ के अंदर इन्विग्रेट करने की बात है, चीज़ों को बढ़ाने की बात है, डालने की बात है,
उनको करने देना चाहिए. वो अलग अलग लेवल पे हो सकता है, हो सकता है वो स्कूल लेवल पे स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो सोसाइटी के लेवल पे स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो कॉलेज के लेवल पे स्टार्ट हो जाए, हो सकता है वो किसी ग्रुप के साथ ज्वाइन. तो इवन जब बच्चे शुरुआत करते हैं, जब बच्चा कोई कॉलेज में जाकर सोसाइटी ज्वाइन कर रहा है या फिर स्कूल के अंदर सोसाइटी ज्वाइन कर रहा है, तो वो ज़्यादातर इस डिबेट में फंसा हुआ ना कि कौन से थिएटर डायरेक्टर अच्छा है, किसकी वर्कशॉप अच्छी होती है, किसकी वर्कशॉप करनी चाहिए. वो इसी कन्फ्यूजन में है कि अच्छा वो जो सर है ना उनकी वर्कशॉप अच्छी होती है, उनका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, राइट. वो उसी डिबेट में फंसा हुआ है. ठीक है, सिमिलरली एक जो दूसरा नैरेटिव है, जो अगर उस एज ग्रुप से हम बाहर निकल के बात करें, जो सीनियर लोगों का एज ग्रुप है, जब यूथ का अगर हम बात की बात करें, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सोचता है पहले दिल्ली में थिएटर कर लेते हैं, यहाँ सीख लेते हैं, फिर मुंबई जाकर काम करेंगे. अरे जो चीज़ हो सकता है आपके लिए वर्क कर गई है, वो मेरे लिए वर्क नहीं करे. करेक्ट है ना. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. आधे मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ, मतलब जनरलाइज नहीं करूँगा, स्टेरियोटाइप नहीं करूँगा, लोगों की ये प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर लोगों की, वो इस डिबेट में फंसे हुए हैं ना कि अच्छा दिल्ली में थिएटर सीख लो अच्छे तरीके से, बिल्कुल 2 साल लगा के अच्छे से मेहनत से काम कर लो, ठीक है, सब कुछ सीख जाएंगे, फिर मुंबई जाएंगे, फिर वहाँ जाकर चमत्कार हो जाएगा, फिर मैं वहाँ जाकर शाहरुख खान बन जाऊँगा. शाहरुख खान की एक जर्नी रही है 92 से लेकर अब तक की एक जर्नी रही है, तो तुम्हें शाहरुख खान बनने में वक्त लगेगा, राइट. लोग वो नहीं समझते हैं, वो एक ना उस नैरेटिव के शिकार है, ठीक है. और काउंटर नैरेटिव आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको आप इससे नहीं क्रिएट कर सकते हैं, डिबेट के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते हैं, उसको आप उस स्पेस में वर्क क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके उसमें एक गैप है, वो उस गैप को फिल करना पड़ेगा, दैट्स व्हाट आई थिंक. वहाँ पर एक बड़ा गैप है. तो ये तो मुझे क्लियर है कि मतलब कि जैसे आपने काम करना स्टार्ट किया, बच्चों के साथ काम किया, बड़ों के साथ काम किया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि कभी भी जर्नी स्टार्ट हो सकती है. वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी NSD में ही जाकर स्टार्ट हो, वो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट से स्टार्ट हो सकती है, राइट. मैं इस बात पे एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि एक क्लास हो रही थी, तो लतीफ़ सर क्लास ले रहे थे, तो लतीफ़ सर एक हमारा इम्प्रोवाइजेशन अच्छा नहीं हुआ, तो लतीफ़ सर के साथ एक बात है कि वो जल्दी ना रिएक्शन देते नहीं किसी चीज़ पे. आई एम सॉरी टू से, पता नहीं थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, छोटा मुँह बड़ी बात. तो जल्दी रिएक्शन देते नहीं है, बहुत ही तो हमें लगा कि परफॉर्मेंस ख़राब हो गई. ठीक है, परफॉर्मेंस ख़राब हो जैसे होता है, बच्चा है जाके पूछ दिया, पूछ बैठा सर से, सर ये. तो सर ने एक बात की, वो थोड़ी देर सोचा, उसके बाद 10 सेकंड के पॉज के बाद आया, यार तुमने जो वो सीन किया था ना, वो बड़ा लाजवाब था. तो कभी कभी क्या होता है, देयर आर मोमेंट्स, वो मोमेंट ना आपको क्रिएट करता है. मतलब यार ये इंसान इतना बड़ा आदमी और इस तरह की बात कर रहा है, तुमने जो वो सीन किया ना, वो सारी बातें भुला गए कि इंप्रोवाइजेशन तुम्हारा अच्छा हुआ गंदा हुआ. तुमने 12 मिनट की इंप्रोवाइजेशन तैयार की, उसमें स्टार्ट क्या था, मिडिल क्या था, एंड क्या था, क्या रिलेशन से सीन कैसा बिल्डअप हुआ नहीं हुआ, उस पे बारे में सब कुछ बुला दिया, एक मोमेंट को पकड़ लिया, वो मोमेंट आपको मोटिवेट कर देता. तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबी अगर आपकी जर्नी हो, दैट्स व्हाई आई सेड एट द वेरी बिगिनिंग कि आपका ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्या है ना, वो इम्पैक्ट आपको मेजर करता है कि आप किस डायरेक्शन में जाएंगे, आपकी दिशा क्या होगी ना, वो उससे मेजर होती है. इससे नहीं मेजर होती कि आपका सफ़र कितना लंबा था, वो इम्पैक्ट बिल्कुल, वो पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो दैट्स व्हाट आई थिंक. ओके, जैसे थिएटर में म्यूज़िक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो म्यूज़िक के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, या उस बारे में कुछ बताइए कि आप क्या सोचते हैं. सिद्धार्थ, जब हम थिएटर करते हैं तो लाइक दीज आर द थिंग्स विच आर एड ऑन, लाइक म्यूज़िक, कॉस्ट्यूम, मेकअप, राइट. ये चीज़ें आपके चीज़ जो आप कंटेंट बना रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ऑल ऑफ अस यू एंड आई ऑल ऑफ अस आर कंटेंट क्रिएटर, राइट. तो ये चीज़ों बनाते हैं, ये चीज़ों को ब्यूटीफाई करते हैं, ठीक है, उसके अंदर एस्थेटिक्स डालने से ना चीज़ें बेहतर होती हैं, ठीक है. सो वो एक जो क्राफ्ट है, वो एक अलग डायरेक्शन में लेकर के, जैसे लाइटिंग है, वो चीज़ों को ऐड करके एक अलग डायरेक्शन देती है, एक डिमेंशन अलग देती है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट रहता है मेरे ख्याल से. तो जैसे आप थिएटर कर रहे हैं, आपने थिएटर से शुरुआत करी, तो इसके अलावा थिएटर कहाँ कहाँ सपोर्ट करता है, या क्या क्या आपने किया एक्सपीरियंस. सी इट्स प्रीटी टफ टू लाइक मेक इट अ क्यूम्युलेटिव काइंड ऑफ अप्रोच विद इन फ्यू मिनट्स, राइट. बट आई वुड से कि आप जब जैसे मैंने थिएटर करने की शुरुआत की, फिर उसके बाद चीज़ें बढ़ती चली गई, फिर मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाकर क्लासेस लेता था, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, सिर्फ ऐसे कभी कभी कर लेने से नहीं होगा, फिर वो कंसिस्टेंटली करता रहा, फिर जर्नलिज्म का अपने फील्ड में चीज़ें आगे बढ़ती गई. तो उस दौरान मैंने थिएटर छोड़ा नहीं, क्योंकि अगर एक बार थिएटर आप करते हैं ना, तो एक होता है वो चीज़ आपके अंदर बन जाती है. वो एक इसका एक सवाल है, एक बड़ा सवाल है जो उसको आंसर करना पड़ेगा. वो ये है कि जब आप थिएटर करना शुरू करते हैं, अगर आप दिल से करते हैं ना, तो आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है. वो ऐसे आ जाती है कि थिएटर आपको एक ना प्रोसेस होकर गुजारता है. थिएटर एक ऐसी चीज़ नहीं है कि चीज़ आई हो गई, आपने एक स्क्रिप्ट ली, उसको याद किया और जाकर डिलीवर कर दिया, स्टेज पर ख़त्म हो गया. जब आप उस कैरेक्टर को करते हैं, तो आप उस कैरेक्टर को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं. जब चीज़ें इम्बाइब करते हैं अंदर, तो वो जाती हैं.
ठीक है, तो उस इमेजिनेशन के थ्रू आप गुजरते हैं, उस क्रिएटिविटी के थ्रू गुजरते हैं, जब उस क्रिएटिविटी की फिज़ा में आप खुद को डालते हैं ना, तो वो एक चीज़ें एक अलग चीज़ें निकल कर आती हैं, तो वो एक जर्नी अलग रहती है, ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट बड़े लंबे समय तक रहता है। तो उसको जब मैंने रियलाइज़ किया लॉन्ग टर्म के अंदर, तो मैंने देखा कि अरे बहुत सारे ऐसे डायमेंशंस हैं ना, जैसे आपने पूछा ना कि आखिर म्यूज़िक का क्या रोल है, ठीक है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो थिएटर से मूवीज़ की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके ज़िंदगी में क्या हो सकता है। तो हमने मैंने और हफीज़ खान साहब मिलकर, जैसे मैंने बताया कि मेरा उनके साथ एक बहुत लंबा सफ़र रहा है ना, तो उस दौरान हम लोगों ने मिलकर क्या किया, हमने एक कंपनी इस्टेब्लिश की जिसके अंदर हमारा ये था, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हर एज ग्रुप के साथ, हर एज ग्रुप के साथ थिएटर कैसे केटर किया जाए, राइट। सो हमने 4+ के एज ग्रुप से लेकर के, ठीक है, सीनियर तक, ये नहीं कि हमने बस जो कॉलेज गोइंग है या फिर जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए, ठीक है, हर एज ग्रुप के लिए, या थिएटर फॉर एवरीवन, ट्रेन द ट्रेनर्स काइंड ऑफ प्रोग्राम वी लॉन्च, राइट। सो दैट्स व्हाट वी डिड। सो एक छोटे ग्रुप से लेकर के जो एक एक्टिंग बडिंग एक्टर्स का जो ग्रुप है, बडिंग एक्टर्स के ग्रुप से लेकर के वेमेन इन लीडरशिप, सो बेसिकली हमने ये रियलाइज किया थिएटर, व्हाट कैन आई से, आई मीन इफ आई हैव टू पुट इन लाइक वन वर्ड, थिएटर टू मी इज लाइक एन एम्बेसडर कार, राइट। कि थिएटर जो है वो आपको हर चीज़ सिखा देगा, अलग अलग डायरेक्शन से सिखा देगा, वो आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे लेते हैं। जैसे मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जर्नलिज्म बैकग्राउंड से हूँ तो मैं उसको एज अ कम्युनिकेशन का एक टूल देखता हूँ, ठीक है, कि आप थिएटर आपको जो है ख़ुद पे एक ऐसा कॉन्फिडेंस देता है, जब आप खुद पे जोक लेना शुरू कर देते हैं, खुद का मजाक करवाना शुरू कर देते हैं, है ना, तो ये जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वही खुद पे हंसते हैं, बिल्कुल, है ना, इट्स वेरी टफ, ये बोलने में आसान लगता है कि हम खुद का मजाक उड़वाना किसे अच्छा लगता है, किसी भी अच्छा लगता है। सो हमने उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि नहीं यार, हम ना एक डिफरेंट सेगमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट एज ग्रुप के साथ, जैसे अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग, जैसे कैप्सूल प्रोग्राम्स हो गए, छोटे प्रोग्राम्स, जैसे हम 2 दिन की वर्कशॉप करते हैं, 4 दिनों की वर्कशॉप करते हैं, महीने दिनों की वर्कशॉप करते हैं, तो अब जो है थिएटर काफ़ी इवॉल्व हुआ है, ठीक है, पहले जो जब मैंने थिएटर करना स्टार्ट किया था 2010 के आसपास, तो उस ज़माने में थिएटर बिल्कुल डिफरेंट था, और आज बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज डिजिटल लैंडस्केप जो है ना वो पूरी तरह से पूरा पैराडाइम को चेंज कर चुका है, ठीक है। तो जैसे थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगा, बिकॉज डिजिटल लैंडस्केप में चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। पहले क्या था, पहले आपके पास जब, सिद्धार्थ मेरे ख्याल से आपने थिएटर करना शुरू किया होगा, उस ज़माने में एक थिएटर का प्रोडक्शन करने में शायद 2 महीने भी लगते रहोगे, क्योंकि हम 3-3 महीने लगते थे, ठीक है। तो हमने जब जिस टाइम में किया, उस जमाने में तकरीबन 50 दिन के आसपास लगते ही थे, मेरी पहली प्रोडक्शन मुझे याद है 50 दिन की रिहर्सल्स होती, ठीक है। तो अब क्या, अब लोगों के पास इतना वक्फा नहीं है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो उतना टाइम दें, ठीक है, और जो कंजम्पशन का मीडियम है वो भी चेंज हो चुका है। पहले जो ऑडियंस थी उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वहाँ जाना था, अब प्लेटफॉर्म चेंज हो चुके हैं ना, जो ये प्लेटफॉर्म के अंदर चेंजेस है, जैसे लाइक आपने एपिसोड बनाया, ठीक है, अब आप एक इस एपिसोड को सेल्फ ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, ठीक है, किसी के मीडियम के थ्रू कर सकते हैं, देयर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट, आप उसको इंस्टा पे कर दें, स्नैपचैट पे कर दें, म्यूजिकली पे कर दें, 10 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी सोसाइटी के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास। हाँ, तो इन्फॉर्मेशन जो है वो मल्टीप्लाई हो गई है, मतलब एक पहले था कि एक बहुत ही लीनियर डायरेक्शन में चीज़ें चल रही थी, अब है कि उसका जो डायमेंशन है वो अलग अलग हो गया, तो अब कंजम्पशन का जो नाता है, मतलब आपका जो ऑडियंस के साथ रिलेशन था वो बहुत चेंज हो गया है। आप देखिए ना, आप कल एक नया बच्चा है, मान लीजिए 16 साल का एक बच्चा है, कल तक कोई उसको नहीं जानता है, उसके परफॉर्मेंस में अगर सलाहियत है बच्चे के अंदर वो टैलेंट है, बच्चे के अंदर वो बात है, अंदर से वो जज्बा है उस काम को करने का, तो बच्चा वो निखर के दिख जाता है, ठीक है। उसने आज डाला टिकटॉक पे एक वीडियो, ठीक है, 2 दिन के अंदर वो वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देख लिया, लाखों की व्यूअरशिप आ गई, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो चीज़ें जिस टाइम हमने शुरू किया था, उस टाइम में हमारे पास क्या था चक्कर, कि हमारे पास कोई फीडबैक मैकेनिज्म नहीं था, हमने कर दिया तो हम अपने जाके टीचर से, जिसके साथ प्ले हमने किया है वो डायरेक्टर से पूछ लेते, प्रोड्यूसर से पूछ लेते, टीचर से पूछ लेते, ट्रेनर से पूछ लेते, बस दैट्स इट, चैप्टर्स को फाइनली ऑडियंस से पूछ लेते, पेरेंट्स अगर देखने के लिए आएँ या दोस्त देखने के लिए आएँ उनसे पूछ ले, वहाँ एक ऑनेस्ट फीडबैक का मैकेनिज्म नहीं था। अब क्या है, अब आपकी जो ऑडियंस है वो आपको फीडबैक देती है, वो एक डायरेक्ट फीडबैक देती है, वो फीडबैक एक ऑनेस्ट फीडबैक होता है। वो कैसे ऑनेस्ट फीडबैक होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, आपने मेरे एपिसोड्स देखे, आपको चीज़ें अच्छी लगी, बेहतर लगी, आपके हाँ यार इससे ना इसके व्यूज़ हैं, तो जो रिएक्शन टाइम है वो रियल टाइम हो गया, ठीक है, पहले वो रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं था, अब जो है वो रियल टाइम एक्सपीरियंस है, तो वो बिल्कुल पैराडाइम थिएटर का चेंज हो जाएगा। तो अब डिजिटल एज के अंदर थिएटर और यूथ का जो कनेक्शन है डिजिटल एज के साथ, जो स्मार्टफोन के साथ इरप्शन जो है स्मार्टफोन का, उसके साथ काफ़ी कुछ चेंज हो गया। तो अब थिएटर पहले वाला थिएटर नहीं,
लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो लकीर के फकीर बने हुए हैं, मतलब वही चीज़ें चली आ रही हैं, उसी मेथोडोलॉजी के हिसाब से चल रहे हैं कि हमें ऐसे करना है ऐसे करना है। हमें वक्त के साथ बदलना पड़ेगा, हमें वक्त के साथ चीज़ों को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा कि थिएटर को हम किस डायरेक्शन में ले जाएं, न्यू जनरेशन को भी हम समझा सके उनके लेवल पर कि थिएटर क्या है। एब्सोल्युटली, अगर हम नहीं समझाएंगे तो वो एक रास्ता क्रिएट कर लेंगे। करेक्ट, अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें क्योंकि होता है ऐसा कि अगर मान लीजिए आपने मुझे समझाने की एक बार कोशिश की, दो बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की, अगर आप देखेंगे कि नहीं यार ये बात नहीं सुन रहा है ना, तो वो एक बंदा अपना एक रास्ता एक ना ढूंढ लेता है। तो जो यूथ है उसके पास एक अलग टाइप की एनर्जी है आज के ज़माने में ना, हर किसी के पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने रिसोर्सेज हैं। आप सोचिए ना कि हम जब करते थे तो हम बहुत सारी चीज़ों को कहाँ से देख अलग अलग जगह से देखते थे, लाइब्रेरी से जाके देखते थे, किताबें पढ़ते थे, अच्छा ये शेक्सपियर की ये बुक पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये प्लेस पढ़ ली, वो प्लेस पढ़ ली, है ना। अब क्या है, अब आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। आपको अगर एक एक्टिंग देखनी है तो उस टाइम में रिसोर्सेज कम थे, है ना स्मार्टफोन का करप्शन उतना नहीं था तो कम थे। अब आप हर परफॉर्मेंस पे आप सोचिए ना, आप तो जो मीडियम है वो पूरे देश चेंज हो चुका है, वीडियो पे आपकी पॉकेट में है सब, बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई मीन यू रिफ्रेज इट इन अ डिफरेंट वे, एब्सोल्युटली। सो वो एक चेंज हो गया पूरी तरह से, तो उस पर हम जो फ्यूचर है वो एक अलग डायरेक्शन देगा, मतलब कंजम्पशन के एतबार से। करेक्ट, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ आपसे। अच्छा अखिल, जो थिएटर वाले होते हैं बेसिकली मैंने देखा है वो खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, आप भी खाने पीने के शौकीन हो? हाँ बहुत हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा काम में उलझा रहता हूँ, थोड़ा कोताही हो जाती है, मतलब मैं सेहत देख के लग रहा होगा आपको, थोड़ा कोताही पड़ती है। सेहत देख के तो फिट लग रहे हो एकदम। अच्छा ये बताओ कि कौन से दिल्ली में ऐसे पॉइंट्स हैं, जॉइंट्स हैं या अड्डे हैं दिल्ली में, क्या पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ पे खाना पसंद हो आपको, जहाँ का खाना पसंद? मैं पुरानी दिल्ली बहुत जाता हूँ, पुरानी दिल्ली जाता हूँ, बिरयानी वानी खाना मुझे बहुत पसंद है। हाँ बिरयानी वानी खूब खाता हूँ, नॉन वेज का शौकीन हूँ, माफी, नॉन वेज के शौकीन हो। अच्छा ये बताओ जैसे सेम ईयर, अच्छा जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग, चाय पीना पसंद है, आई लव चाय। एक्चुअली थिएटर वाले सभी बहुत चाय पीते हैं। ओह रियली? यस। अच्छा जैसे हमारे पुराने वो करेक्शन मिला होगा, हाँ बेहतर। अच्छा जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जो अच्छा अगर आप खाओगे तो वो आपके बहुत काम आएगा, तो ये बात को आप मानते हो? सी वो सिद्धार्थ, एक टू बी वेरी फ्रैंक, हम उस एज में रहें, आज के एज में रहें, मुझे बुजुर्गों की कही हुई बात ने मुझे आज भी गलत नहीं लगती है। बहुत सारी बातों को ना, मैं पहले जब छोटा था ना तो लगता था अरे यार क्या बोल रहा है इंसान, ठीक है, लेकिन अब रियलाइज़ करता हूँ, थोड़ा पीछे हट के जब देखता हूँ चीज़ों को ना, तो एक नया डायमेंशन दिखता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जब मैं शुरू से मैं टीआई की वर्कशॉप में जाएगा तो उस टाइम में मुझे क्या होता था कि मुझे लगता था ना ये लतीफ़ सर जब मीटिंग लेके बैठते हैं तो ये 5-5 घंटे मीटिंग क्यों कर रहे हैं, ये इतना बोर क्यों कर रहे, इतनी लंबी मीटिंग्स क्यों हो रही हैं। लेकिन जब मैं अब पलट के देखता हूँ चीज़ों को, जब अब रियलाइज़ करता हूँ कि वो जो नुआंसेस थे, उस नुआंसेस पे वो बात करते थे कि बच्चा एक जो मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, बच्चा एक मिरर के एंगल से चीज़ों को देखता है, रियलाइज़ करता है, पीछे हट के देखता है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने चश्मे से चीज़ों को देखते हैं, तो वो एक कहीं ना कहीं चेंज होता है, मतलब वो जो परसेप्शन है वक्त के साथ चेंज होता है, मतलब वो तजर्बे के साथ चेंज होता है। तो वो जो पिछली जनरेशन है हमारी जो बात कह के गई है वो कुछ गलत नहीं कहेगा, बिल्कुल सही वजह फरमाया उन लोगों ने, अच्छा खाया पिया काम आता है, तो खाते पीते रहिए, है ना। अखिल हमने बहुत सारी बात करी थिएटर के बारे में, चलते चलते मैं ये जानना चाहूँगा जो न्यू जनरेशन है अगर वो थिएटर ज्वाइन करना चाहती है तो उनके लिए कुछ मैसेज हो तो प्लीज़ बताइए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे मैं खुद जब थिएटर ज्वाइन करना चाहता था तो मैं मंडी हाउस आ गया, मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है, कोई गाइडलाइन नहीं थी, कुछ क्लियर नहीं था, सब कुछ ब्लर था। तो फिर थिएटर जब ज्वाइन किया, जब रास्ते मिले तो वो ब्लर जो था वो सब वो क्लियर पिक्चर में कन्वर्ट होता रहा। तो आप मुझे बताइए अपने एक्सपीरियंस से हमारी न्यू जनरेशन को, यूथ को, जो आपके दोस्त लोग हैं या जो फैंस हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं थिएटर, उनके लिए कोई मैसेज? सी सिद्धार्थ, इसके लिए ना कोई एक स्ट्रक्चर्ड जो कहेंगे ना आप सक्सेस का फॉर्मूला है, वो ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। यू नीड टू जस्ट कीप वर्किंग, राइट, यू जस्ट नीड टू कीप वर्किंग। इसके लिए मुझे फहमिदा रियाज का एक कुछ मिस्र है, सेगमेंट है, कि इससे मैं बोलना चाहूँगा कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो होता रहता है। क्या बात, कुछ और तो होता रहता है, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। अरे वाह, क्या बात, है ना। तो ये जो शेर है, इसको जब मैंने पढ़ा कहीं पर, पढ़ा था, मुझे अभी एक बैक आपने बोला तो मुझे याद आ गया,
जस्ट फॉर द मोटिवेशन ऑफ द यंगर जनरेशन कि आपको ना चलते रहना है, आपको बस रुकना नहीं है. मतलब आपको अगर लगता है कि आपके अंदर वो चीज़ है तो आपको उस पर वर्क करते रहना है. इसके लिए कोई एक स्ट्रक्चर्ड फार्मूला नहीं है कि अगर मैं ना मिसगाइड नहीं करना चाह रहा हूँ यूथ को ये बात बोल करके कि आप इस रास्ते पर चले जाएँ, उसको फॉलो कर लें. हो सकता क्योंकि उसकी एक बड़ी वजह है, बड़ी वजह ये है कि हम उसके ना जो कॉज है उस कॉज तक नहीं पहुँचते हैं. ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों का एक ये नैरेटिव रहता है कि अरे यार पहले थिएटर कर लो फिर एक अच्छे एक एक्टर बन जाओगे मुंबई जा करके. जैसे बहुत सारे लोगों के केस में हो चुका है. ठीक है, नवाजुद्दीन के केस में हो गया, मनोज वाजपेयी के केस में, सारे लोगों के केस में नहीं हुआ है. हाँ, तो ऐसे लोगों के लिए क्या है? तो ऐसे लोगों के लिए एक साथ प्रॉब्लम ये है कि ऐसे लोग एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के हिसाब से फंस जाते हैं. उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इन सब बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए. उन्हें जो चीज़ है उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छा ये जो थिएटर ग्रुप है, मैं किसी ग्रुप का नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये जो थिएटर ग्रुप है ना वो ग्रुप अच्छा है, वो ग्रुप का जस्ट कीप वर्किंग दैट्स व्हाट आई डिड राइट. तो मेरा जो 9 साल का लंबा करियर रहा है उसके दौरान मैंने कुछ नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड वर्किंग. मैंने कभी ये चीज़ नहीं सोची कि कौन डायरेक्टर अच्छा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन अच्छा है, कहाँ हम वर्क कर रहे हैं, तो कहाँ ज़्यादा सीखने को. आपके अंदर वो एक हंगर होना चाहिए जिसकी वजह से आपको वो खुद ही घिसते लेकर आगे चला जाएगा. तो अगर वो चीज़ अगर आपके अंदर आपने बना ली कि नहीं मुझे सिर्फ थिएटर करते रहना, तो वो अपने आप ना आपको एक डायरेक्शन मिलती चली जाएगी. ठीक है, तो एक बड़ा रोल जो है इसमें आपके, क्योंकि अगर आप थिएटर दिल से करते हैं ना तो फिर वो चीज़ें आपके अंदर खुद ब खुद आ जाती हैं. क्योंकि जब आप चीज़ों पर सवाल करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. तो थिएटर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने कहा ना कि वो थिएटर ना आपको सवाल करना सिखाता है. तो वो थिएटर अगर आपको सवाल करना आप सीख लिया तो फिर आप सवाल कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है. फिर आप उस्तादों से सवाल कीजिए, चीज़ों को लेकर सवाल कीजिए, एस्टैब्लिशमेंट को लेकर सवाल कीजिए, जो स्ट्रक्चर में जहाँ आपको प्रॉब्लम देखा उन प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल कीजिए. जब आप प्रॉब्लम्स को लेकर सवाल करेंगे तो हो सकता है आज उसका जवाब ना मिले. ठीक है, 2 दिन बाद 4 दिन बाद प्रोडक्शन के बाद, ऑडियंस के रिएक्शन के बाद, जैसे मैंने कहा कि डिजिटल लैंडस्केप के आने के बाद चीज़ें बहुत तरीके से चेंज हो गई. तो वो जो ऑडियंस है वो ऑडियंस आपको एक बहुत ही डायरेक्ट फीडबैक देगी. वो व्यूज़ के थ्रू, वो कमेंट्स के थ्रू, आप कमेंट सेक्शन को फॉलो करें, वो एक बहुत ही डायरेक्ट फीडबैक देगी. तो वो एक मीडियम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, जिसको ऑडियंस को मेरे ख्याल से जो यंगर जनरेशन है उसके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है. मतलब पहले ज़माने वाली बात नहीं रही, आप मतलब आप भी तो इसी ज़माने के हैं, माफ़ कीजिएगा, उस ज़माने वाली बात नहीं रही. मतलब आज से 40 साल पहले या 30 साल पहले जो थिएटर था वो एक अलग डायमेंशन में जा चुका है. तो उसके साथ हमें चलना पड़ेगा और हमें उस स्ट्रक्चर में नहीं जीना है कि अच्छा ये जो इंस्टीट्यूशन है इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से नहीं चलना है. ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ऑल्सो. ये जो हमारा एक इनिशिएटिव है हफीज सर के साथ, जो हमारा इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लीडरशिप कैसे क्रिएट किया जाए. ठीक है, थिएटर कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप थिएटर को सिर्फ उसी एक डायमेंशन से देखें कि अच्छा मुझे ये काम करना है फिर मुझे एक्टर बनना है. आप, मैंने थिएटर किया, ठीक है, बहुत लंबे वक्फे तक मैंने थिएटर किया, आज भी थिएटर करता हूँ, आज भी थिएटर की क्लासेस लेता हूँ. ठीक है, डिस्पाइट बीइंग अ जर्नलिस्ट राइट, क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे इस प्रोफेशन पे यकीन है कि ये प्रोफेशन इंसान को एक अच्छा इंसान बनाता है. ये प्रोफेशन इंसान को इंसान से मिलाता है. इंसान की खुद से शनाख्त होती है, खुद से पहचान होती है. जब इंसान खुद को खुद के अंदर जाके ढूंढता है, खुद को तलाशने की कोशिश करता है, ठीक है, तो उसका जो वहम है, उसका जो मैं का कॉन्सेप्ट है, आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, उससे बाहर आता है. फिर उसको लगता है अच्छा ये भी चीज़ें हो सकती है. फिर उसके जो बायसेस हैं, फिर जो उसके प्रेजुडिसेस हैं, वो चीज़ें कम होती हैं. फिर उसका बहुत ही जो चीज़ों को लेकर एक सब्जेक्टिव अप्रोच रहता है वो बिल्कुल एक दरकिनार हो जाता है. और फिर उसका इंसान का एक नया सेल्फ निकल के आता है. तो फॉर द यंगर जनरेशन, फॉर द यूथ हुज लाइक ऑल आर वॉचिंग ओवर राइट नाउ, उनके लिए मैं सिर्फ यही चीज़ है कि बस जस्ट कीप गोइंग. ठीक है, सोचना नहीं है कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये डायरेक्शन होगा, ये होगा. ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना. और मेहनत के लिए लोग कहते हैं ना कि ये स्मार्ट वर्क कर लो, हार्ड वर्क कर लो, ये सब जबरदस्ती आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ना ही नहीं है. ये सब कहने की बात, करते रहो, सही डायरेक्शंस में करते रहो, चीज़ें बेहतर होंगी. ठीक है, दैट्स व्हाट आई थिंक. मुझे आपकी बात से याद आ रहा है, जब लतीफ सर के साथ हमारी क्लास हुई थी तो उन्होंने हमें एक वर्ड दिया था, जस्ट डू इट. बस सिर्फ करो, मतलब उसको सोचो मत, उसको एनालाइज मत करो, पहले करो. उसको करोगे तो समझ में आएगा कि क्या किया है. तो वो मुझे वो पूरा याद आ गया. और ये बहुत अच्छी बात बोली अकील, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर बात करके. थैंक यू वेरी मच. और अगर आप लोग अकील के साथ मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ हमें मेल लिखिए, हम लोग आपको ज़रूर उनसे बात कराएंगे, उनसे जोड़ेंगे. और आप चाहते हैं कि उनके साथ मिलकर काम करना है तो प्लीज़ हम आपका मेल आईडी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सो दैट आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अगली बार अगले एपिसोड में एक नई थिएटर पर्सनालिटी के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब पढ़िए, खूब देखिए, नाटक कीजिए. बाय बाय. खाना, वी कैन टेक, वी कैन टेक.
आपके आंसर से क्वेश्चन हो गया मेरा। टेक सिक्स। धूम धड़म तथैया रे सुन री बहन को भैया।